इंडियन आइडल फेम असम की नाहिद आफरीन की सुरीली आवाज का तो हर कोई कायल है, लेकिन इन दिनों नाहिद को अपनी आवाज के लिए विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, राज्य में 46 धर्म गुरुओं ने नाहिद आफरीन के खिलाफ फतवा जारी किया है। मंगलवार को असम के खोजई और नागांव जिलों में कई पर्चे बांटे गए, जिसमें असमिया भाषा में फतवा और फतवा जारी करने वाले लोगों के नाम लिखे थे। इस फतवे के मुताबिक 25 मार्च को असम के लंका इलाके के उदाली सोनई बीबी कॉलेज में 16 साल की नाहिद को परफॉर्म करना है, जो पूरी तरह से शरिया के खिलाफ है। इस फतवे के मुताबिक म्यूजिकल नाइट जैसी चीजें पूरी तरह से शरिया के खिलाफ हैं और इसे लेकर नाहिद के खिलाफ फतवा जारी किया गया है, लेकिन इन तमाम फतवों के आगे नाहिद झुकने को तैयार नहीं। 16 साल की नाहिद का कहना है कि उनकी आवाज खुदा का तोहफा है, जिसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने फतवा जारी होने के बाद कहा कि मैं काफी चौंक गई थी और अंदर से टूट गई, लेकिन कई मुस्लिम सिंगर्स ने मुझे प्रेरणा दी। मैं धमकियों से डरकर अपना संगीत नहीं छोड़ूंगी। आपको बता दें कि नाहिद आफरीन साल 2015 में म्यूजिकल रियलिटी टीवी शो इंडियन आइडल जूनियर की फर्स्ट रनर अप रह चुकी हैं। तो 16 साल की उभरती हुई गायिका नाहिद के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है, जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या नाहिद का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए संगीत को चुना? देखते रहिए टीवी लाइव।